स्टूडेंट्स, हाउ वॉज यू क्लास टू? आई एम योर साइंस टीचर. नाउ ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 18. एंड टूडे आवर टॉपिक इज बॉडी टेम्परेचर. डू यू नो वट टेम्परेचर इज? टेम्परेचर इज हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. सम एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम. देयर टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन वेरी कोल्ड कंडीशंस. देयर टेम्परेचर डज नॉट चेंज इन वेरी हॉट कंडीशंस. दीज आर नॉन एज वॉर्म ब्लडेड एनिमल्स. ह्यूमन्स आर वॉर्म ब्लडेड, सो आर बर्ड्स. इस टॉपिक में हम बॉडी के टेम्परेचर के मुतालिक पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर होता क्या है. टेम्परेचर कभी गर्म और कभी ठंडा होता है. जैसा कि आप देखेंगे कि गर्मी का टेम्परेचर दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, सर्दी में टेम्परेचर कम होता है. सो स्टूडेंट्स, हम इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं कि दर्जा हरारत कभी गर्म है और कभी सर्द होता है. कुछ एनिमल्स यानी जानवर ऐसे होते हैं जो अपने अंदर का टेम्परेचर यानी अंदर का दर्जा हरारत और बाहर का दर्जा हरारत हमेशा बराबर रखते हैं यानी सेम रखते हैं. उनका टेम्परेचर तब्दील नहीं होता यानी चेंज नहीं होता. हालांकि वो बहुत ज़्यादा सर्द इलाके में भी रह रहे हों या बर्फानी इलाके में भी रह रहे हों, लेकिन उनका बॉडी टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं. और ऐसा भी होता है कि अगर गर्म इलाके में भी जानवर रह रहे हों, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर में चेंज नहीं लाते. उनको क्या कहते हैं? उनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. गर्म इलाके में भी रह लें तो उनका टेम्परेचर बराबर रहता है बॉडी का और वो चेंज नहीं होता. ह्यूमन्स होते हैं जो, उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं, और बर्ड्स को भी वार्म ब्लडेड कहते हैं. वो भी अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उन्हें सर्दी लग जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाती है, लेकिन इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता. सम एनिमल्स चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एज द टेम्परेचर अराउंड देम चेंज. दीज एनिमल्स आर नॉन एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश आर कोल्ड ब्लडेड. कुछ एनिमल्स मौसम के लिहाज से अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं. जैसे जैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं. रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर. एम्फीबियंस मीन फ्रॉग. फ्रॉग जैसा कि वो कभी खुश्की पे रहता है और कभी पानी में रहता है. और फिश यानी मछलियाँ, वो भी पानी में रहती हैं. तो वो क्या हैं? वो कोल्ड ब्लडेड हैं. वो बाहर के टेम्परेचर के साथ अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज कर लेते हैं. ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़.